तो अब बात करेंगे ऑर्डर बग्स मामियल्स की, और बहुत ही करेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, बहुत छोटा ऑर्डर है, स्मॉल ऑर्डर ऑफ माइन्यूट ए टिपिकल मॉसेस। जैसे कि टिपिकल मॉसेस होते हैं वैसा नहीं है, बिल्कुल ए टिपिकल मॉसेस है, अपने आप में यूनिक, विच इज़ ऑफन आइसोलेटेड इन अ डिस्टिंक्ट सब क्लास ऑफ मसाई एंड करेक्टराइज बाई अ रिड्यूस्ड गैमेटोफोर कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू लीव्स विच डाई शॉर्टली आफ्टर फर्टिलाइजेशन लिविंग एन एसिमेट्रिकल कैप्सूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो गेमेटोफाइट बनता है हमारा, और वो गेमेटोफाइट जो है कुछ वक्त के लिए ही बनता है, और उसका काम तब तक होता है जब तक उसमें गैमेट्स ना बन जाएं। जैसे ही गैमेट्स बन जाते हैं और गैमेट्स बनने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के फौरन बाद जो आपका गैमेट्स था, जो कि लीफ वगैरह थोड़ी बनी होंगी, एक्सिस बना होगा, लीव्स बनी होंगी, थोड़े बहुत राइजॉइड्स होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ से गायब हो जाती हैं और सिर्फ एक रह जाता है हमारे पास एसिमेट्रिकल कैप्सूल, जो कि डॉर्सी वेंट्रल टाइप का होता है, और इसको हम कहते हैं कि फीडिंग बॉटल टाइप का ये कैप्सूल होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि इसमें सिमेट्री जो है वो उस तरह की नहीं है कि राउंडेड टाइप का हो, और ये एक तरफ से जो है वो चपटा सा होता है, एक तरफ से उठा सा होता है, जैसे कि आपको लगता है कि जैसे कॉकरोच की बॉडी होती है उसका डॉर्सो वेंट्रल होता है, वैसे इसके में भी डॉर्सो और वेंट्रल होता है, साथ में एक सीटा होता है जो लंबा स्टॉक आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो कुल मिला के जो प्लांट जब हमें दिखता है तो उस वक्त तक उसका गैमेटोफोर जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, और सिर्फ हमारे पास जो सामने होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट में भी फुट सीटा और कैप्सूल ये नज़र आ रहे होते हैं। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंट फीचर है, और इसी की मदद से इसका आइडेंटिफिकेशन फील्ड में किया जाता है। तो यहाँ डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ आपको टॉप पे एक फीडिंग बॉटल टाइप का कैप्सूल नज़र आ रहा है, उसमें ऊपर की तरफ एक ऑपरकुलम लगा हुआ है, जैसे कि बॉटल में जो है वो फीडिंग निपल लगा होता है, वैसे यहाँ पर भी ऑपरकुलम लगा हुआ है, और नीचे की तरफ एक फ्लैटेंड टाइप का एसिमेट्रिक कैप्सूल है। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये डायग्राम कहीं भी दिखे तो आप झट से उसको पहचान जाइए कि ये बक्स बॉमिया है, ऑर्डर इसका बक्स बॉमियल है, जो कि ए टिपिकल मॉसेस का ऑर्डर है जिसमें टिपिकल मॉसेस नहीं मिलते। अब इसी में आती है फैमिली बक्स बॉमियसी, जो बक्स बॉमिया के नाम पर ही फैमिली है, और इसमें भी वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर प्लांट जो हैं बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रोस्कोपिक इन द सेंस कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गेमेटोफोर की, तो बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही कम देर के लिए उनका एग्जिस्टेंस रहता है, जैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बने वो वहाँ से गायब हो गए, और जो इतने छोटे होते हैं कि जब तक आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे तब तक वो आपको वो गेमेटोफोर नज़र नहीं आता। तो इसका जो गेमेटोफोर है या गेमेटोफाइट है वो कलेक्ट करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये नज़र ही तब आता है जब जो गेमेटोफाइट है वो वहाँ से ख़त्म हो चुका होता है, एफीमेरल टाइप का होता है, और सिर्फ हमें जो प्लांट दिखता है वो इसमें स्पोरोफिटिक प्लांट दिखता है, और वो भी कैसा है, द एसिमेट्रिकल स्पोर कैप्सूल, जैसा कि ऑर्डर का जो करेक्टर था वही फैमिली का भी करेक्टर रहेगा। और इसमें कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्रिमिटिव मॉसेस हैं और जो मॉडर्न मॉसेस हैं उनके बीच का एक ट्रांजिशनल फेज दिखाते हैं कि किस तरह से प्रिमिटिव से मॉडर्न मॉसेस की तरफ ट्रांजिशन हुआ है मॉस के एवोल्यूशन का। तो वो स्टेजेस इसमें कुछ नज़र आ जाती हैं, और ये अपने आप में इसीलिए बहुत ही करेक्टरिस्टिक और इम्पॉर्टेंट फैमिली भी है, फैमिली बक्स बॉमियसी। अब बात करेंगे जीनस बक्स बॉमिया की, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कैप्सूल शुरुआत में ग्रीन होता है और बाद में आपने इसका कलर देखा ही था कि वो लगभग जो है वो ब्राउनिश टाइप का हो जाता है। तो बक्स बॉमिया इज़ एन इंटरेस्टिंग मॉस, जैसा कि अभी तक हम लोग जान भी चुके हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, विच हैज़ ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक गेमेटोफाइट एंड लार्ज कॉन्सिपिकस डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड स्पोरोफाइट कॉमनली कॉल्ड एज बग मॉस। तो एक तो बॉग मॉस होता है स्फैग्नम में, और ये है बग मॉस। बग का मतलब होता है कि कीड़े टाइप के होते हैं, जैसे कि कॉकरोच की बात कही थी, तो उसके लग शेप वैसे ही सा लगता है कैप्सूल का, इसलिए बग मॉस इसको एक नाम दे दिया गया है बग। तो जब भी कभी बग मॉस पे भी शॉर्ट नोट आए तो उसका मतलब बक्स बॉमिया के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम जान चुके हैं कुछ बातें, वही बातें फिर से दोहराई जा रही हैं कि गेमेटोफोर बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड कैप्सूल्स होता है, स्पोरोफाइट ही इसमें प्रोमिनेंट होता है, और वो जो उसका कलर है बहुत करेक्टरिस्टिक होता है, इसलिए उसका नाम बग मॉस दिया गया है। तो यहाँ आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें अगर बिल्कुल इसके बेस पर देखें तो आपको
ब्लैकिश टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि वो शो ये कर रहा है कि यहाँ कभी गैमेटोफोर था लेकिन अब वहाँ पर नहीं है। अब इसका क्योंकि करेक्टर इतने अजीब अजीब हैं इसमें, और ट्रांजिशनल फेज़ दिखाता है प्रिमिटिव से एवोल्यूशन की तरफ, तो यहाँ पे इसका प्लेसमेंट भी उसी हिसाब से अलग अलग वक्त में अलग अलग जो ब्रायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उसको अपनी तरह से ट्रीट किया। जैसे कि अगर इसमें पेरिस्टोम फीचर की बात करी जाए, क्योंकि बहुत करेक्टरिस्टिक पेरिस्टोम फीचर होता है, तो उसके आधार पर जो है इसको अलग अलग प्लेसमेंट दिया गया। तो पहला तो आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट, इधर सेपरेटली एस बक्स बॉमिडी इन बिटवीन ब्रायडी एंड पॉलीट्राइकिडी, तो इसको एकदम सेपरेट दे दिया रिमर ने 1954 में, बक्स बक्स बॉमिडी इसको क्लास दे दिया और इसको रखा किसके बीच में, ब्रायडी और पॉलीट्राइकिडी के बीच में। ये 1954 की बात है। उससे पहले जो है इसमें एम्फोडोंटी इन बिटवीन ऑर्थोडोंटी एंड आर्किडोंटी, और इसमें जो है वो क्यों पेरिस्टोम में जो डेंटिशन थे वो इसमें उन्होंने माना कि एम्फीडोंटी टाइप के हैं, और फिर उसको ऑर्थो और आर्की, आर्की मतलब प्रिमिटिव वाले जो मॉसेस में मिलते थे, ऑर्थो जो एडवांस में मिलते हैं, तो उनके बीच में रख दिया। ये काम किया था फ्लिशर्स ने 1904, 1920 और 1923, तो इतने सालों के अंदर उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को बदला नहीं और इसी पे वो कायम रहे। बाद में जो लेटेस्ट है वो विट ने, डेनियल एच विट इनका पूरा नाम है, विट ने 1984 में इसको ब्रायल्स के साथ रखा विद इन ब्रायडी और सेपरेटेड उसको सेपरेट कर दिया पॉलीट्राइकेल्स ऑन एंड टेट्राहाइडेल्स के, तो पॉलीट्राइकेल्स इन्होंने हटा लिया जो कभी बीच में रख दिया गया था, टेट्राहाइडेल्स हटा लिया जो बीच में रख दिया गया था, और इसको रख दिया ब्रायल्स में। तो अगर आप विट के 1984 के क्लासिफिकेशन के मुताबिक मॉसेस को पढ़ते हैं तो आप इसको पढ़ेंगे ब्रायल्स के अंदर, लेकिन अभी जो सिस्टम चल रहा है ICBN जो फॉलो कर रही है उसके मुताबिक इसको अपना ऑर्डर करे, अपना एक सेपरेट ऑर्डर दिया गया बक्स बॉमियल, जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी पुरानी लिटरेचर में आपको दिख जाए कि ब्रायल से, तो वहाँ पे बड़ी हैरत की बात नहीं है, क्योंकि ये कभी जो था विट ने ब्रायल्स में ही रखा था, तो इसलिए कभी कभी ब्रायल्स के साथ में भी आपको बक्स बॉमिया मिल जाता है। इकोलॉजी और साइटोलॉजी की बात करी जाए तो इकोलॉजी मीजोफिटिक है, अकरिंग इन न्यूट्रल पीएच कंडीशन टू एसिड कंडीशन, तो न्यूट्रल से थोड़ा बहुत एसिडिक है तो ये ग्रो कर जाते हैं, मीजोफाइट्स हैं, और ये जो उगते हैं वहाँ पर ह्यूमस होना चाहिए। ह्यूमस इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये एक तरह से वो पैरासाइट की तरह इसका स्पोरोफाइट जो है वो पोषण प्राप्त करता है, जिस सड़ी गली लकड़ी और बाकी जो पेड़ों के लट्ठे वगैरह गिरे पड़ते हैं, तो जैसे मशरूम उगता है उसी तरह से ये भी आपका जो इसमें स्पोरोफाइट है बक्सबोमिया का, वो भी उसी तरह से ग्रोथ करता है और उन्हीं से अपना पोषण लेता है। इसलिए सेप्रोफिटिक जो ब्रायोफाइट है वो इसमें बताया गया, जब आपको उस वक्त लेक्चर बताया था जहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रायोफाइट के बारे में हम लोग नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पर भी ये नाम आया था बक्स बॉमिया, और बताया गया था कि सेप्रोफिटिक होता है इसका जो स्पोरोफाइट है। साइटोलॉजी, इसमें जो एन देखा गया है हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, वो 8 है। तो ये तो बस एक मतलब आपको जानकारी के तहत ये बताया गया, इसको आपको याद रखना है कि इसमें जो हैप्लॉइड नंबर है वो 8 है। सेलिएंट फीचर्स माइन्यूट है, स्टेमलेस प्लांट है, कोई स्टेम हमें दिखा ही नहीं क्योंकि हमें गैमेटोफोर नहीं दिख रहा है, तो स्टेम कहाँ से दिख जाएगा। अराइजिंग फ्रॉम ब्राउनिश प्रोटोनिमल मैट्स, और ये जो ग्रो करता है ये ब्राउनिश प्रोटोनिमल मैट होता है, जो स्पोर इसके जब बनते हैं तो इसमें प्रोटोनिमा बनती है, तो उसका एक मैट बिछा रहता है, क्योंकि प्रोटोनिमा इसमें परसिस्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि परसिस्टेंट। प्लांट की जो पलायन जो सेक्सुअलिटी है वो डायोशियस है, और डायोशियस का मतलब कि इसमें आपको मेल और फीमेल जो प्लांट हैं वो आपको सेपरेट थैलस पे मिलते हैं। स्पोरोफाइट देखा जाए तो कैप्सूल जो है एक्सक्रीटेड टाइप का एकदम से बाहर निकला हुआ सा दिखता है, और इसमें स्टाउट और रफ बहुत ठोसम ठोस और काफ़ी मतलब रफ़ टाइप का सीटा होता है, जबकि ब्रायोफाइट में नॉर्मली बहुत स्मूथ और फ्लेक्सिबल सीटा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है, और 10 से 15 मिलीमीटर लॉन्ग भी हो सकता है, ये इंक्लाइंड होता है, एसिमेट्रिकल होता है, स्लाइटली कर्व होता है, हल्का सा मुड़ा होता है। आप जितने भी इसमें फिगर आगे देखेंगे और जो पहले देख चुके हैं सब में ये चीज़ें आपको दिखेंगी, और कभी कभी कुछ स्पीशीज़ में स्ट्रेट भी हो सकता है,
ऑब्लिकली ओवाइड होता है, ओवाइड होता है, तो यहाँ पर लगभग वो एक एग शेप बन जाता है कि एग लगता है कि आपने हॉरिजॉन्टल टाइप से एग रखा हुआ है, वैसे ही दिखता है। एक एंड उसका बहुत नैरो दिखता है, एक एंड उसका हमें काफ़ी ब्रॉड दिखता है। विद एन एक्सटर्नली कॉन्स्पिकुअस एपोफाइसिस, एपोफाइसिस इसमें बाहर की तरफ दिख जाती है, अभी आगे फिगर आएगा उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और विदाउट एन एक्सटर्नली कॉन्स्पिकुअस एपोफाइसिस, अब इसमें अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं तो 12-15 के आसपास, अभी एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊंगा कि उसमें जो स्पीशीज़ हैं उनमें कभी कभी जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट एपोफाइसिस मिलता है, और कुछ में जो है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट कोई एपोफाइसिस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो इसमें भी काफ़ी वेरिएशन है। और जब भी चीज़ कोई प्रिमिटिव लक्षण शो करती है तो वहाँ पर जो लेवल ऑफ़ वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे इवॉल्व होती है वैसे वैसे जो लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है वो कम होने लगता है। कलिप्ट्रा कैप्सूल और पेरिस्टोम, अब स्पोरोफाइट ही इसमें मेन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि गैमेटोफोर तो पता ही चल गया कि बहुत एफीमेरल होता है, कुछ ही वक्त के लिए है, ना लीफ मिलती है ना स्टेम मिलता है, तो जो मिलता है उसी के बारे में डिस्कस होगा। तो कैलिप्ट्रा मिलता है, कैप्सूल मिलता है, पेरिस्टोम मिलता है। तो कैलिप्ट्रा बहुत छोटा होता है, सिमेट्रिकल होता है, वो कैप्सूल तो एसिमेट्रिकल है लेकिन कैलिप्ट्रा सिमेट्रिकल है, क्योंकि जो उसकी जगह है वो प्रॉपर बनी हुई होती है, जितना भी मॉडिफिकेशन है वो इस कैलिप्ट्रा वाले पोर्शन के बाद से होता है। कैप्सूल विद अ पेरिस्टोम, पेरिस्टोम इसमें होते हैं, द पेरिस्टोम डबल डबल लेयर में होते हैं, द आउटर पेरिस्टोम या जिसको कहें एक्सोस्टोम वो कंप्राइज करती है 1 और 4 रोज ऑफ फिलीफॉर्म और लीनियर टीथ। तो यहाँ पर ये नंबर याद रखना है कि 1 से 4 तक रो हो सकती हैं जो कि फिलीफॉर्म होती हैं या फिर लीनियर टीथ की तरह होती हैं, और उसको हम कहते हैं आउटर पेरिस्टोम या फिर एक्सोस्टोम। तो दोरी पेरिस्टोम यहाँ पर मिलती है, ये भी एक इसका अपना करेक्टरिस्टिक फीचर है। पेरिस्टोम टीथ नॉट ग्रुप्ड, ग्रुप में नहीं होते जैसे बाकी एडवांस मॉसेस में होते हैं, वहाँ पर ग्रुप में होते हैं 16 और 16 इस तरह से 32 में बटे होते हैं, तो यहाँ नहीं होता। नॉट डीपली क्लेफ्ट, जो उनकी क्लेफ्ट है वो बहुत डीप नहीं होती। नॉट परफोरेटेड, परफोरेशन भी नहीं होते, सॉलिड होते हैं। विदाउट ट्रांसफ़र बार, जो उसमें एक आपको डायग्राम दिखाया था जिसमें जो डेंटिशन है उसमें बीच में ट्रांसफ़र लाइनें होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ट्रांसफ़र बार्स, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। और डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल कंसेंट्रिक सीरीज़ ऑफ स्पोरोगोनियम सेल, और जो इनका मैन्युफैक्चरिंग है या जो इनका प्रोडक्शन है वो होता है जो कंसेंट्रिक सीरीज़ है स्पोरोगोनियम सेल्स की, वही इसको बना देती है, इसीलिए इसमें आपको वो बार वगैरह नहीं दिखते हैं। द इनर पेरिस्टोम, जबकि एंडोस्टोम कहलाती है, इनर पेरिस्टोम वेल डेवलप्ड कंप्राइजिंग अ पेल ट्यूबुलर 32 प्लाइकेट मेम्ब्रेन, अब 32 इसमें टीथ तो नहीं होते लेकिन 32 प्लाइकेट मेम्ब्रेन इसमें होती है। विदाउट प्रोसेसेस, विदाउट सीलिया, तो जो नॉर्मल आपको दिखते हैं पेरिस्टोमियल टीथ में कि प्रोसेसेस बनती हैं और उसमें सीलिया होते हैं, वो यहाँ पर नहीं होते। द अपरकुलम नैरोली कॉनिकल, अपरकुलम जो है वो कॉनिकल शेप का होता है, सीटा शॉर्ट होता है या फिर कभी कभी लॉन्ग भी हो जाता है और स्ट्रेट होता है। अब ये डायग्राम आपको जो दिखाया जा रहा है इसमें आप बाहर की जो लेयर है वो एक तरफ से रप्चर होती दिख रही है, और इसी से जो है वो आपको पता चल जाता है कि इसमें लेयरिंग होती है और इसी से सब कुछ डेवलप होता है। यहाँ पर आपको एक रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट दिख रहा है जो कि ख़त्म हो चुका है, और वहाँ पर जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं वो जैसे कि नंबर 3 का इसमें बी में नंबर 3 का डायग्राम है, ये है पेरिकेटियल लीव्स। तो यही पेरिकेटियल लीव्स जो हैं वो कभी कभी गैमेटोफाइट होने का धोखा सा दे देती हैं, लेकिन अब जब इसको हम बहुत करीब से देखते हैं तो हम जान जाते हैं कि इसमें गैमेटोफोर एफीमेरल था, और ये जो लीव्स हैं ये प्रोटेक्टिव लीव्स थी जो कि फीमेल थैलस की थी, और अब इस फॉर्म में यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि ये परसिस्टेंट होती हैं तो ये धोखा हो जाता है कि ये गैमेटोफोर है जबकि गैमेटोफोर नहीं होता। तो रिड्यूस गैमेटोफोर गैमेटोफाइट होता है वो इतना छोटा होता है कि आपको दिखेगा नहीं, जो दिख रहा होता है वो सब स्पोरोफिटिक टिश्यू होते हैं। इसी तरह से जो दूसरा डायग्राम है वहाँ पर आप उसका जो ऊपर बीक देख रहे हैं वहाँ पर आपको कैलिप्ट्रा दिख रही है जो ब्लैक कलर की एकदम टिप पर नज़र आ रही है, और ये कैलिप्ट्रा जब हट जाती है तो ओपरकुलम को रिलीज़ करती है, ओपरकुलम हटता है तो जो पेरिस्टोम टीथ हैं वो दिखने लगते हैं, और फिर इस तरह से जो है कैप्सूल का आगे एक होल सा क्रिएट होता है, पेरिस्टोमियल पोर बनता है, और उस पोर से जो स्पोर्स हैं वो बाहर की तरफ रिलीज़ होते हैं। तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बस इसमें जो करेक्टरिस्टिक चीज़ है वो है इसमें जो रफ़ सीटा है, देखिए सीटा में आप देख लीजिए कि उसमें डॉट बने हुए हैं,
और इस तरह के जो सीटा होते हैं उनको रफ़ कहते हैं, स्टाउट कहते हैं, जबकि नॉर्मल सीटा में ये डॉटेड नहीं होता है और बिल्कुल स्मूथ सीटा होते हैं, राउंडेड होते हैं, उसमें कोई भी ऑर्नामेंटेशन नहीं होता। अब यहाँ पर ये कलर डायग्राम की मदद से आप जो उसके अलग अलग हिस्से हैं वो देख सकते हैं। तो कैलिप्टरा दिखी रही है, कैलिप्टरा सबसे पहले अलग होती है क्योंकि गैमेटोफिटिक ओरिजिन की होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कैलिप्टरा दिख रहा है तो इसका मतलब कि ये गैमेटोफाइट बना है, ये श्योर चीज़ है। कैलिप्टरा भी ना होता तो गैमेटोफाइट था नहीं था, ये किसी को पता नहीं चलता। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसका डायग्राम डी है वहाँ पर आप देखिए कि एक मीनार सी बनी हुई है और वो सीलिएटेड पेरिस्टोमियल टीथ हैं जिसमें एक्सोस्टोम बाहर की तरफ जो वाइटिश है और फिर येलोइश है जो कि एंडोस्टोम बनाती है, और यही जो है वो जो कैप्सूल का माउथ है उसको कवर करके रखते हैं, और इन्हीं के मूवमेंट की वजह से जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं जो इस रिलीज़ ऑफ स्पोर है वो यहाँ पर होता है, और इसमें जो बरसात की बूंदें हैं वो भी जैसे स्प्लैश कप मैकेनिज्म होता है तो यहाँ पर भी होता है, ये पोर बन जाता है और इसमें बूंदें जब गिरती हैं फोर्स से तो जो स्पोर्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं वो बाहर की तरफ गिर जाते हैं और इस तरह से इनका डिस्पर्सल होता है। तो ये एक फिगर है जहाँ पर आप पेरिकिटियल लीव्स देख रहे हैं, ये लंबी लंबी जो ब्राउनिश टाइप की हैं, और साथ में ये जो लीव्स हैं ये आप देखिए, ये जो ग्रीन लीफ इसके दो ब्राउन के बीच में एक ग्रीन लीफ बनी हुई है, ये वो लीफ है जो कभी गैमेटोफोर में किसी ने कलेक्ट की होगी और उसने ये एज्यूम करके बना दिया, क्योंकि ये अजम्पशन है, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि क्योंकि कोई देख ही नहीं पाता है इतनी छोटी लीव्स होती हैं, तो ये एज्यूम करके बना दिया गया और मिडरी बना दी गई क्योंकि मॉसेस में होती है। हालांकि अब बहुत से जो ब्रायोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि इनमें जो लीव्स पाई जाती हैं उनमें मिडरिप नहीं होती, लेकिन फिर भी क्योंकि पेरिकिटियल लीफ में मिडरिप बनी हुई है इस वजह से लीफ में भी मिडरिप बताई जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है, तो बहुत प्लांट के बारे में हमने देख लिया, अब कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये है कि भाई इसमें टेम्परेट रीजन का ये पर्टिकुलर प्लांट है, तो टेम्परेट रीजन में इंडिया में तो कमी है, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय उसमें कुछ पोर्शन है जो टेम्परेट कहलाता है, और वहाँ पर ये प्लांट कलेक्ट भी किया गया है एक बार और बहुत कम मिला है इंडिया में, लेकिन आपके जो बाकी टेम्परेट रीजन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये प्लांट सही मात्रा में मिल जाता है और लोग इसको कलेक्ट करते हैं, और इसके और भी स्पीशीज़ हैं जो लोगों ने देखी हुई है, डिस्क्राइब करी हुई है। हालाँकि ज़्यादा जो है इसके बारे में अभी भी जानकारी अगर देखी जाए बाकी जो मॉसेस हैं उनकी तुलना में बहुत कम है। तो टेम्परेट रीजन में मिलता है और नोटिस हो ही नहीं पाता जब तक स्पोरोफाइट ना हो, और 2 सेंटीमीटर हाइट का होता है और अपीयर्स ऑन गैमेटोफाइट। तो बस ये मान के लेते हैं स्पोरोफाइट दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गैमेटोफाइट था, क्योंकि स्पोरोफाइट अपने आप से तो नहीं बन सकता। हालांकि कभी जो है ब्रायोलॉजिस्ट में इस पर भी विवाद था कि ये अपने आप से डिनोवो जनरेट हुआ है स्पोरोफिटिक टाइप का और इसमें जो है मॉसेस के करेक्टर हैं, लेकिन बाद में फिर जो इस पर एक सहमति बनी कि ये इसमें रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट बनता है और जो हमें दिखता है प्रोमिनेंट वो स्पोरोफाइट दिख रहा होता है। तो गैमेटोफाइट जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, तो गैमेटोफाइट क्या है कि अगर मिलता है या जिसने भी इसको देखा है उसने यही बताया है कि जो ब्रायल्स ऑर्डर है, जैसे कि विट का मैंने बताया था कि विट ने इसको ब्रायडी में रखा था क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से जो भी इसका गैमेटोफाइट है उसका जितने भी फीचर्स थे वो ब्रायल्स की तरह दिखते थे, तो इसलिए उन्होंने उसको ब्रायडी में रख दिया गया। लेकिन जो इसका स्पोरोफिटिक फीचर हैं वो ब्रायल्स की तरह नहीं है, तो बाद में फिर इसको बक्स बॉमियल्स में रख दिया गया। तो अगर हम सिर्फ गैमेटोफाइट पाते हैं तो ये ब्रायल्स में जाता है, लेकिन सिर्फ स्पोरोफाइट पाते हैं तो ये बक्स बॉमियल्स में जाता है। और जो बक्स बॉमियल में जाने का मेन कारण है वो है इसका जो पेरिस्टोमियल डेवलपमेंट है, और पेरिस्टोम का जो नेचर है वो अपने आप में यूनिक है, वो किसी और ब्रायोफाइट के ऑर्डर में नहीं मिलता है। डाइवर्सिटी ऑफ द जीनस, अब इसमें कितना डाइवर्स जीनस है, तो बॉक्स बॉमिया इसमें 14 स्पीशीज़ अभी तक रिपोर्टेड हैं दुनिया भर से, और ये टेम्परेट रीजन ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर और कभी कभी ट्रॉपिकल में भी मिल जाता है। तो बॉक्स बॉमिया हिमालियंसिस जो है वो कभी मिला था 1980 के दशक में, और इसको खोजने वाले थे प्रोफेसर राम उदार, उनके स्टूडेंट दो प्रोफेसर एस.सी. श्रीवास्तव और प्रोफेसर दिनेश कुमार, और कमाल की बात यह है कि तीनों ही लोग जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी लखनऊ यूनिवर्सिटी के हेड होकर रिटायर हुए, और इसमें से जो बीच का नाम है प्रोफेसर एस.सी. श्रीवास्तव, इनका PhD स्टूडेंट मैं खुद हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये देख कर खुशी होती है कि मेरे गाइड ने ये प्लांट इंडिया से पहली बार खोजा था।
अब पिक्यूलियर फीचर ऑफ गैमेटोफाइट, तो एक तो बात हो गई गैमेटोफाइट जो हाईली रिड्यूस्ड है, इतना रिड्यूस गैमेटोफाइट और कहीं भी हमें ब्रायोफाइटा में नहीं मिलता। अब मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसमें प्लांट डायोशेस था आपको याद होगा, तो उसके हिसाब से मेल फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। तो मेल प्लांट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ सिंगल यूनिस्टेटोस पेरिगोनियल लीफ और मेल ब्रैक्ट, सिर्फ एक छोटी सी जो है वो लीफ होती है उसको आप पेरिगोनियल लीफ कहते हैं, क्योंकि मेल के चारों तरफ जो लीफ होती है उसे पेरिगोनियल कहते हैं, फीमेल के चारों तरफ जो होती है उसे पेरिकीटियम कहते हैं। तो यहाँ पर या तो वो पेरिगोनियल लीफ आप कहेंगे या फिर आप उसको मेल ब्रैक्ट कहेंगे, और यही इनक्लोज करता है एक सिंगल एंथ्रीडियम होती है उस पर्टिकुलर ब्रैक्ट या पेरिकीटियल लीफ में, पेरिगोनियम लीफ में, और वही जो है वो डेवलप करती है पूरा एंथ्रीडियम, जिसमें छोटा सा स्टॉक होता है और एक थोड़ी ग्लोबस टाइप की बॉडी होती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, छोटा स्टॉक है और उसके ऊपर एक राउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसे एंथ्रियल बॉडी कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ मेल ब्रैक्ट देयर इज सिंगल एंथ्रीडिया हैव बीन यूनिसीलिएटेड स्टॉक एंड स्फेरिकल एंथ्रियल बॉडी। और कभी कभी जिन स्पीशीज़ में, क्योंकि 14 स्पीशीज़ हैं, 14 में कुछ में ऐसा भी है कि मेल ब्रैक्ट नहीं मिला है, तो वहाँ पर सिंगल एंथ्रीडियम में एंथ्रीडिया मिला है और उसके साथ साथ यूनिसीलिएट स्टॉक और स्फेरिकल एंथ्रीडियल बॉडी, यही रिप्रेजेंट कर रही है पूरे के पूरे मेल गैमेटोफाइट को, इसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है। तो कहा जाए मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, तो आपको बताना है कि या तो उसको पेरिगोनियल लीफ होगी या हम उसे मेल ब्रैक्ट भी कह सकते हैं। ये इनक्लोज करती है एक बॉडी को जिसमें एक छोटा सा स्टॉक होता है और एक राउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, और यही अपने आप में पूरा मेल गैमेटोफाइट होता है, इसके अलावा और कुछ भी रिपोर्टेड नहीं है। अब आई फीमेल गैमेटोफाइट की बात, तो जब मेल गैमेटोफाइट भी प्रोमिनेंट नहीं है तो वैसे यहाँ पर भी है। द फीमेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 to 4 रोज ऑफ लीव्स। अब यहाँ पर यह है कि पत्तियाँ वहाँ पर एक था, यहाँ पर 2 से 4 तक होती हैं, और ये भी बहुत हाईली रिड्यूस स्टेम पे बनती हैं, तो बहुत पास एकदम संघनित टाइप की होती हैं, क्योंकि स्टेम की लंबाई बहुत नहीं होती, तो जितनी भी 3-4 पत्तियाँ हैं ये सब एक साथ बहुत ही क्लोज स्ट्रक्चर बनाती है, और उनके बीचों बीच से जो है वो आप देखेंगे कि जो आर्चिगोनियम है वो डेवलप होता है। अब ये स्ट्रक्चर इसलिए बनता है इतना क्लोज, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो किससे बन रहा है, परसिस्टेंट प्रोटोनीमा से। ये याद रखना है कि बक्स बॉमियल्स में परसिस्टेंट प्रोटोनीमा होती है और ये हमेशा रहती है, और ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ये जो यहाँ पर पेरिकीटियल लीव्स बनती हैं, जैसा कि आपने एक फिगर में देखा था, उसमें बीच में मिडरिप मिलती है, तो यहाँ पर भी मिडरिप मिल रही है, और इसके अपेक्स पे जो है वो थोड़ा सा लंबे लंबे हो जाते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको हम फिर पैराफाइसिस बोलते हैं। हालांकि जो इसमें ओरिजिनल पैराफाइसिस होते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से वो नहीं होते, वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं, लेकिन उनकी जगह पर ये जो 2 से 4 तक के जो रोज़ होती हैं लीव्स की, ये लंबी लंबी जो ऊपर की ट्यूब की तरह रचना बना लेती हैं, जो डायग्राम में आपको ऊपर की तरफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और यही कवर करके रखते हैं आर्चिगोनियम को। और सिंगल आर्चिगोनियम होती है, और जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती तब तक उसे इनक्लोज करके रखते हैं, और जैसे ही फिर वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद वो एलिवेट करने लगती है, तो फिर इनका रोल ख़त्म हो जाता है। अब बात आएगी स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट अब जितना हम देख रहे हैं उसमें स्पोरोफाइट ही देख रहे हैं, तो बहुत चीज़ें हमें याद हो चुकी हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल, ये तीनों चीज़ें इसमें आपको दिख रही हैं और आपने देखी भी हैं। फुट जो है बल्बस होता है, जो नीचे की तरफ आपको ये थोड़ा ब्लैक हिस्सा दिख रहा है स्टॉक के नीचे, इसको हम कहते हैं बल्बस, और ये ट्यूबरस टिश्यू में धंसा हुआ होता है। ट्यूबरस टिश्यू किसका बनता है, जो परसिस्टेंट प्रोटोनीमा उनका। सीटा जो है वो शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्गेटेड भी हो सकती है, और पिगमेंटेशन उसमें हमने बताया था कि ऑर्नामेंटेशन होता है, रफ़ होती है, और जो सरफेस है उसके ऊपर उभार पाए जाते हैं जिनको हम पेपिली कहते हैं। तो सरफेस कैसी हो गई, पेपिलोस सरफेस हो गई। यहाँ डायग्राम में आप देख लीजिए, एक इसका जो पेंसिल से बनाया हुआ डायग्राम कैमरा लुसिडा, और एक इसका ओरिजिनल फोटोग्राफ है, तो दोनों एक से ही दिख रहे हैं, फ्लैट सी बॉडी दिख रही है डॉर्सल सरफेस से, और नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा उभार सा दिख रहा है, तो ये कभी भी इक्वल इसका वो नहीं होता, तो ये जो इसकी स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल नहीं होता। अब कैप्सूल के बारे में डिटेल बात करना है, तो कैप्सूल जो है लगभग ओवॉइड होता है, ऑब्लिकली ओरिएंटेड है, डायग्राम जो ब्लैक एंड वाइट है उसमें आप देख लीजिए, उसका ओरिएंटेशन तिरछा है, ऑब्लिक है। अपरकुलम कॉनिकल है, जो ऊपर का हिस्सा है, एसिमेट्रिकल थीका भी है, क्योंकि इस कैप्सूल भी एसिमेट्रिकल है, तो थीका भी इसका एसिमेट्रिकल होगा, और एपोफाइसिस इसका प्रोमिनेंट है। एपोफाइसिस वो पोर्शन होता है जो सीटा के ऊपर और कोलोमेला से नीचे का होता है,
तो वो जो है इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। एनुलस इसमें डिस्टिंक्ट नहीं होता, जो एडवांस मॉसेस है उसमें एनुलस काफ़ी डिस्टिंक्ट होता है। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर कैप्सूल और सीटा आपस में जुड़ते हैं उस जंक्शन पे एक दो स्टोमेटा इसमें मिल जाते हैं। ये एडवांस मॉसेस का करेक्टर है जो ये शो कर रहा है। मैच्योर कैप्सूल की बात करी जाए तो मैच्योर कैप्सूल जो है वो चेस्ट नट कलर का होता है, ब्राउनिश टाइप का दिखता है, ग्लॉसी होता है, चमकीला। जो उसका मेज़रमेंट है वो 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर रेज्ड ओवर होता है सीटा के ऊपर। द वॉल ऑफ द कैप्सूल इज़ मल्टी स्टेटोस, कैप्सूल की वॉल मल्टी स्टेटोस होती है, जो जैसे एक डायग्राम में दिखाया था कि बाहरी लेयर इसकी उतर रही थी, उसके बाद भी एक लेयर आपको वहाँ पर कम्प्लीट दिख रही थी। और स्टोमेटा कन्फाइंड टू एपोफाइसिस, वही एपोफाइसिस जहाँ से सीटा और कैप्सूल जुड़ता है, वही पोर्शन जो फैला हुआ होता है उसे एपोफाइसिस कहते हैं, वहीं पे स्टोमेटा हमें मिल जाते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख लीजिए कि इसमें से ओपरकुलम जब हट जाता है तो पेरिस्टोमियल टीथ के जो ऊपर के लंबे लंबे जो सीलिएटेड पोर्शन है वो बाहर की तरफ हमें दिखने लगते हैं, और इस तरह से जो एक्सोस्टोम है वो हमें नज़र आता है। तो पेरिस्टोम पहली बार हमें दिखता है जब मैच्योर होता है और ओपरकुलम इसका हट जाता है। जैसे इसके ऊपर वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ऊपर कुलम हट गया, तब आपको पेरिस्टोम वहाँ पे नज़र आने लगता है। स्पोर सैक ये भी करेक्टरिस्टिक टाइप का होता है। स्पोर सैक इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड दी कॉलोमेला, कॉलोमेला के चारों तरफ होता है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे कि इसमें बीच में कॉलोमेला होता है, ऊपर की तरफ आर्च करता हुआ स्पोर सैक होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बीच में कॉलोमेला तो है लेकिन उसके सब तरफ से नीचे ऊपर और दोनों तरफ से लेटरल पोर्शन से भी स्पोर सैक हमें मिल जाता है। तो पूरे जो कैप्सूल की एक लेंथ होती है उसमें स्पोर सैक हमें बाहर की तरफ मिल जाता है और बीच में कॉलोमेला होता है। और इनके बीच में इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये हवा में रहता है तो इसमें एयर स्पेसेस बनते हैं, बीच बीच में इसमें पार्टीशन बन जाते हैं जिन्हें हम ट्रेबेकुली कहते हैं, और इसकी मदद से जो है इसको ब्यूएंसी मिलती है और ये हवा में इरेक्ट पोर्शन में रहता है और नीचे की तरफ गिरता नहीं है। तो यहाँ डायग्राम में आप देख लीजिए इसके एक जो लाइन ड्राइंग है उसमें भी, और जो आपका इसका सेम है उसमें भी आपको वो पोर्शन दिख रहे हैं। ऑपरकुलम दिख रहा है, पेरिस्टोम दिख रहा है, स्पोर्ट्स एग दिख रहा है, कोलोमेला दिख रहा है, यही चीज़ें आपको जो लाइन ड्राइंग है उसमें भी दिख रही है। पेरिस्टोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कई बार इसको बोला जाएगा। द पेरिस्टोम इज़ मोर कॉम्प्लेक्स डबल एंड इज फॉर्म ऑफ 3 to 6 कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ एम्पिथीशियल लेयर। ये ध्यान रखना है कि पेरिस्टोम जो है एम्पिथीसिया से बनता है, जो बाहरी डेवलपमेंट में जब सेलुलर डेवलपमेंट होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि एंडोथीसियम को कवर करती है, वहाँ से डेवलपमेंट होता है पेरिस्टोम का। और पेरिस्टोम भी इसमें अलग अलग देख लीजिए कि एक तो बाहर है जो एयर में आता है ओपरकुलम हटने के बाद, सबसे पहला वाला डायग्राम, उसके बाद आप देखिए कि उसमें जो नीचे उसके बाद जो देखते हैं उसमें इनर पेरिस्टोम भी दिख रहा है लंबे लंबे, और बीच में छोटे से थोड़े स्टाउट से मिडिल भी दिख रहे हैं, और बिल्कुल नीचे लेयर में जो ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे और दिख रहे हैं वो आउटर पेरिस्टोम है। तो इस तरह से इसमें अलग अलग जोनेशंस होते हैं, तो इनर भी होता है, मिडिल भी होता है, आउटर भी होता है, और फिर जो है बाद में जो इनर है वो धीमे धीमे जो है ख़त्म हो जाता है, और फिर मिडिल पेरिस्टोम और आउटर पेरिस्टोम ही यहाँ पर रहते हैं जब ये स्पोर डिस्चार्ज करने के लिए रेडी होता है। द आउटर पेरिस्टोमियल टीथ जिसको एक्सोस्टोम कहेंगे, ये पहले भी बताया था, आर फॉर्म बाई 1 to 4 सीरीज ऑफ सिलेंडर शॉर्ट टीथ, वाइल द इनर पेरिस्टोम एंडोस्टोम इज़ लॉन्ग थिन मेम्ब्रेनस फॉर्मिंग 16 to 32 प्लाइकेट कोन लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ ध्यान रखना है एक्सोस्टोम और एंडोस्टोम होता है जो पेरिस्टोम के दो भाग हैं, और दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। बाहर वाले में 1 से 4 सीरीज होती हैं, सिलेंडर शॉर्ट टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और अंदर 16 से 32 होते हैं जो कि प्लाइकेट कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो इसके साथ फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आप उसके अलग अलग हिस्से और उनमें स्टोमेटा वगैरह सभी कुछ दिख रहे हैं। तो ये फिगर जब आपको मैं इसको आपको दे दूँगा और इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा, सारी चीज़ें जो जो बताई हैं वो सभी इसमें नज़र आएंगी। बोथ द पेरिस्टोम्स आर फॉर्म बाई थिक एंड सेल वॉल ओनली, दोनों ही पेरिस्टोम चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो वो थिक सेल्स के बनते हैं, और नॉट ऑफ इंटायर सेल ग्रुप एज फाउंड इन केस ऑफ पॉलीट्राइकल्स एंड टेट्राफाइडल्स। तो आपको याद होगा कि शिफनर ने इसको दोनों के बीच में रखा था पॉलीट्राइकल्स और टेट्राफाइडल्स में, लेकिन बाद में विट ने इसको अलग कर दिया था और इसी बेस पर अलग किया था कि पेरिस्टोम जो है वो थिक एंड सेल वॉल के ही बनते हैं और इसमें कोई ग्रुप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व नहीं होती है।
स्पोर डिस्पर्सल, तो जब मैच्योर हो गया कैप्सूल, स्पोर भी बन गए, तब इसमें डिस्पर्स होना है, तो कैसे होता है? सिंस द अपर पोर्शन ऑफ द कैप्सूल इज़ फ्लैट, एनी प्रेशर ऑन द सरफेस सच एज फॉलिंग रेन ड्रॉप्स कैन कंप्रेस द एयर स्पेसेस इनसाइड द कैप्सूल एंड ब्रिंग अबाउट डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स थ्रू नैरो पेरिस्टोमियल ओपनिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि वो फ्लैट होता है और लगभग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, ट्रबेकुली अंदर होते हैं, ऊपर से बारिश की बूंदें फोर्स से गिरती हैं, वो एक प्रेशर का दबाव बनाती हैं ट्रबेकुली पे, जिनके बीच में हवा भरी होती है, तो ये हवा जो है वो बाहर की तरफ निकलना चाहती है उस प्रेशर की वजह से, और उसी के साथ साथ जो स्पोर्स हैं वो ये जो पेरिस्टोमियल ओपनिंग आपको डायग्राम में दिख रही है यहाँ से बाहर की तरफ निकल आते हैं। फिर ये निकल आए तो फिर अब जर्मिनेशन होगा, तो जर्मिनेशन जो है वो भी इसमें करेक्टरिस्टिक है। स्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस शॉर्ट जर्म ट्यूब विच इज़ ग्रीन सेल एंड क्लोरोनिमा डायग्राम में आप देख लीजिए, स्पोर से प्रोट्यूड होकर एक क्लोरोनिमा निकल के आ रही है ग्रीन कलर की, और फिर ये परसिस्टेंट रहती है और इसमें साथ में जो है वो बाकी कॉलोनिमा वगैरह बनते हैं और गैमेटोफोर का निर्माण होता है जो कि बहुत छोटा होता है, और फिर उसके बाद जो स्पोरोफाइट है वो सेप्रोफिटिक नेचर का हो जाता है, और ये भी जो प्रोटोनिमा परसिस्टेंट होती है ये भी जो है वो पोषण प्राप्त करती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, तो जो पुरानी लकड़ी और लट्ठे वगैरह पड़े रहते हैं जंगल में वहाँ पर ही ये उग जाते हैं और आसानी से अपना जो सेप्रोफिटिक जीवन है वो बिताते रहते हैं। तो ये डायग्राम में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्लोरोनिमा कॉलोनिमा, इनके बारे में हम काफ़ी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर रिपीट करना आपको याद ही होगा, तो रिपीट करने की कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब क्लोरोनिमा एंड कॉलोनिमा, क्लोरोनिमा गिव राइज टू कॉलोनिमा, ये हमें पता ही है, सिलेंड्रिकल होती हैं, बस यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर बहुत सिलेंड्रिकल होती हैं और जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है वो लीफ वीफ ना बना के क्या बनाती हैं, पेरिकीटियम या पेरिगोनियम बनाती हैं। यहाँ पर लीफ नहीं बनती बल्कि मेल और फीमेल प्लांट बनते हैं जिसमें एक ब्रैक्ट होते हैं या फिर तीन से चार ब्रैक्ट्स होते हैं। अगर फीमेल की बात करेंगे तो तीन से चार ब्रैक्ट्स पेरिकीटियम हो गए, और मेल की बात करेंगे तो सिंगल ब्रैक्ट होता है, तो यही डेवलपमेंट इसका होता है और प्रोटोनिमा परसिस्टेंट रहती है। अब जो कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं वो ये हैं कि जो बहुत कॉमन है बक्स बॉमिया एफिला, एफिला का मतलब कोई पत्ती वगैरह नहीं मिलती, तो उसमें एक्जोस्टोम नहीं होता, जो अभी तक बात हुई थी कि एक्जो और एंडो होता है, तो बक्स बॉमिया एफिला में एक्जोस्टोम नहीं होता, लेकिन बक्स बॉमिया हिमालयंसी जो इंडिया से ढूंढी थी उसमें पेरिस्टोम जो है वो तीन लेयर में प्रेजेंट होता है, जिसमें मिडिल लेयर, इनर लेयर, आउटर लेयर तीनों ही मिलती हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें आप स्पोर्स एग देख रहे हैं और ट्रबेकुली देख रहे हैं, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से नज़र आ रही हैं। तो इसको अगर आप देख दो बार देख लेंगे तो जो भी चीज़ें आपसे डिस्कस हुई हैं सब आपके दिमाग में अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। आखिर में एक बार इसे कंक्लूड करते हैं कि क्या हमने आज पढ़ा, तो जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। बक्स बॉमिया को बग मॉस बोलते हैं, कारण आपको बता दिया कि जो इसका कलर है वो इस तरह का होता है कि बग की तरह लगता है, और दूसरा साथ ये भी है कि सेप्रोफिटिक भी होता है, तो ये मतलब पार्शली सेप्रोफिटिक है, इस वजह से इसे बग मॉस भी कहते हैं। गैमेटोफाइट जो है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है, और स्पोरोफाइट इसकी प्रोमिनेंट अवस्था होती है लाइफ साइकिल में। बक्स बॉमिया में परसिस्टेंट प्रोटोनिमा पाई जाती है जो कि ऑल ओवर दी सरफेस स्प्रेड करती है, जिस भी सबस्टेटम पे, ज़्यादातर जो वुडन सरफेस है, जो कि रोटेन वुडन सरफेस है, इसके ऊपर ये पूरी तरह से परसिस्टेंट रहती है, और इसी की मदद से जो है वो सेप्रोफिटिक जो नेचर है वो बरकरार रहता है बक्स बॉमिया का। मेल प्लांट की बात करें तो मेल प्लांट जो है वो बड़ा माइक्रोस्कोपिक है, और माइक्रोस्कोपिक होने के साथ साथ इसमें जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो एक ब्रैक्ट लीफ होती है जिसको हम पेरिगोनियल भी कह सकते हैं, और उसके अलावा एक एंथ्रीडियम होता है जिसमें छोटा स्टॉक और एक ग्लोबोस बॉडी होती है, तो इसके अलावा और इसमें मेल प्लांट में कुछ भी नहीं होता, और ये परसिस्टेंट प्रोटोनिमा पे ही ग्रो करता है। इसी तरह से फीमेल ब्रांच की बात करें तो फीमेल ब्रांच थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप होती है मेल की तुलना में, कि यहाँ पर दो से चार तक जो है वो पत्तियों की लीव्स होती हैं जिनको हम पेरिकीटियल लीव्स कहते हैं, और ये भी परसिस्टेंट प्रोटोनिमा पर ही उगती हैं और उन्हीं से अपना भोजन वगैरह लेती हैं, और जो इनका शेप है वो लेंचुलेट टाइप का होता है, ऊपर से थोड़ा सा ये ट्यूबरस टाइप की होती है, लंबी लंबी जैसा कि आपने फिगर में देखा था, और पैराफाइसिस भी होती हैं, जो छोटे बहुत महीन रेशे होते हैं उन्हें पैराफाइसिस कहते हैं, और ये प्रोटेक्ट करके रखती हैं डेवलपिंग आर्चिगोनियम को फर्टिलाइजेशन के होने तक।
फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, और वही स्पोरोफाइट हमें इस प्लांट में नज़र आता है, जो कि फुट सीटा और कैप्सूल से मिलके बना होता है, जिसमें फुट जो है वो एम्बेडेड होता है, जो नीचे के टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें जो परसिस्टेंट प्रोटोनिमा है उसके अंदर धंसा हुआ होता है, और बाकी जो सीटा है वो थोड़ा सा रफ़ टाइप का होता है, स्टाउट होता है, और उसकी जो सरफेस है ऑर्नामेंटेड होती है। कैप्सूल बड़ा करेक्टरिस्टिक है, ऑब्लिक होता है, तिरछा टाइप का, और इसके अलावा डोर्सो वेंट्रल भी होता है, और एसिमेट्रिकल होता है, जिसमें दोनों तरफ से बराबर सिमेट्री नहीं होती है, एक तरफ ज़्यादा इसमें झुकाव होता है और एक तरफ फ्लैट ज़्यादा होता है। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, जहाँ पर सीटा और कैप्सूल मिलते हैं, तो उस एरिया को बोलते हैं अपोफाइसिस, वहाँ पर स्टोमेटा मिलते हैं। आर्किस्पोरियल जो है, या हम कहें स्पोर सैक, वो पूरा कोलोमेला को कवर करता है ऊपर से नीचे तक, और लगभग जो है वो एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है। थोड़ा सा जो ऊपर का मार्जिन है वो पूरा सर्किल नहीं होता, क्योंकि वहीं से स्पोर रिलीज होते हैं। पेरिस्टोमियल टीथ इसके बहुत करेक्टरिस्टिक होते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं, कहीं पर दो लेयर होती हैं, कहीं पर तीन होती हैं। अगर तीन हैं तो एक्सो और मीजो और एंडो हो जाएंगे, और अगर जो दो हैं तो एक्सो और एंडो हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें कोई जो ऑर्थोडोन्टस और निमेटोडोन्टस टाइप के टीथ होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते, और यहाँ पर जो है वो भी इस तरह के होते हैं कि आपको जैसे कि पेरिकिटियल बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर टीथ भी बन जाते हैं, और 16 से लेके 32 तक उसमें फिलामेंटस टाइप के होते हैं। तो ये सारी कहानी जो है वो आपकी बक्सबोमिया की है, और बक्सबोमिया में एक स्पीशीज़ इंडिया से रिपोर्टेड है, जिसका नाम है बक्सबोमिया हिमालियनसिस, और बाकी जितनी रिपोर्टेड हैं वो सब टेम्परेट एरिया जो वर्ल्ड में है वहाँ से रिपोर्टेड है। तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है, क्योंकि बहुत से ऐसे करेक्टर हैं जो इसमें आपके प्रिमिटिव भी हैं, और बहुत से ऐसे करेक्टर हैं जो एडवांस भी हैं, और बहुत से ऐसे करेक्टर हैं जो इसके खुद के हैं और ना प्रिमिटिव में जा रहे हैं एडवांस में जा रहे हैं, इसीलिए इसको ब्रायल से निकाल कर बक्सबोमियल ऑर्डर में डाल दिया गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।